2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 10 लाख लोगों को हम आवास देंगे। और पूरे प्रदेश में पिछले दिनों में लगभग 38 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उसमें से 29 लाख आवास बनके तैयार हो चुके हैं। आज 4.5 लाख लोग, 4,51,000 लोग अपने घरों में प्रवेश कर रहे हैं। मैगांव विधानसभा क्षेत्र में, मैगांव जनपद में लगभग 293 आवास और 100 के लगभग आवास रौन सर्किल में आज बनके तैयार हो चुके हैं, उनमें लोग प्रवेश कर रहे हैं। और मैं अभी गिनती कर रहा था, ये जो 293 आवास हैं उसमें से 121 आवास केवल और केवल दलित समाज के हैं, यानी 40% आवास हमारे हरिजन भाई बहनों को मिले। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस फॉर्मूले का, उस जो उनके सूत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है कि समाज के हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को उसके अनुपात के अनुरूप उसको शासकीय सुविधाओं का और शासन की जन हितकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसलिए लगभग आधे आवास हमारे दलित भाई बहनों को मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि प्रदेश की सरकार इसी मंशा के अनुसार काम करना चाहती है। हमारे जो जनपद के अधिकारीगण मौजूद हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन देने की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की योजना हो, चाहे विधवा पेंशन की योजना हो, चाहे निराश्रित पेंशन की योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लगभग 40 जो योजनाएं हैं जनहितकारी, जन कल्याणकारी गरीब लोगों को, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार की मंशा उनकी आर्थिक मदद करने की है, तो उन योजनाओं का लाभ कम से कम मैगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे दलित भाई बहनों को मिले, ये मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ। अभी पिछले 17 सितंबर से लगभग 1.5 महीने का जो जनसेवा अभियान चल रहा है, उस अभियान के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने ये